आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोटिस अंडर सेक्शन 133 थर्टी थ्री सब सेक्शन सिक्स तो क्या है ये सेक्शन एंड किस क्या प्रोवाइड पावर देता है ये डिपार्टमेंट को वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो दोस्तों अगर सेक्शन 133 थर्टी थ्री सब सेक्शन सिक्स क्या है इट्स अ काइंड ऑफ प्रोविजन जो कि पावर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या पावर देता है टू डिमांड इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एनी टैक्स अफेयर्स तो आपसे कोई भी डिमांड की जा सकती है डॉक्यूमेंट्स की एंड इंफॉर्मेशन की रिलेटेड टू आपके जो टैक्स हैं इट में इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट्स आपकी मांगी जा सकती है रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी डिटेल ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन और सोर्स ऑफ इनकम तो ये जो आपसे डॉक्यूमेंट्स हैं इंफॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट मांग सकता है डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो अथॉरिटी टू इशू नोटिस टू एनी पर्सन जिसके पास कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है तो उसके पास भी जो है ये नोटिस जा सकता है एंड ही कैन कंडक्ट इंक्वायरीज जो है उस व्यक्ति की एंड वेरीफिकेशन भी कर सकता है टू एंश्योर तो ये जो चीज़ें होंगी दैट इज़ टू एंश्योर Uh, the compliance with the text law. तो कुछ इस तरीके से ये नोटिस आता है नोटिस अंडर सेक्शन अंडर सब सेक्शन सबसे वन थर्टी थ्री ऑफ इनकम टैक्स जिसमें कि सब्जेक्ट मैटर क्या रहता है कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन वन थर्टी थ्री इन दिस कनेक्शन योअर काइंड अटेंशन इज इनवाइटेड टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन थर्टी थ्री सबसेक्शन सिक्स विच एम्पावर द अंडर साइंड जिसमें कि अंडर साइन को पावर दी गई है टू कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन विच इज़ कंसिडर्ड रेलिवेंट जो है और नेसेस है अंडर इनकम टैक्स एक्ट तो वेरिफिकेशन स्कीम के तहत अभी जो नोटिस आ रहे हैं वो नोटिस आ रहे हैं आपके फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जिनमें की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है आपसे हो सकता है सेविंग बैंक uh, से जुड़ी या फिर अदर uh, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मांगी जा सकती है तो किन कारणों की वजह से आपके पास ये नोटिस आ सकता है चलो वो भी जान लेते हैं या तो आपकी आई जो है वो इनकम्प्लीट है या इन एक्यूरेट है अगर आपकी रिटर्न में कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है फॉर एग्जांपल कि कुछ व्यक्ति जो क्या करते हैं वो अपने सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिखाते हैं तो वो अगर आप मिस कर जाएंगे तो आपके पास ये नोटिस आ सकता है या इनकन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है मिस मैच इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिपेंसी है आपकी इनकम में जो आपने आई में फाइल करी है या आपकी ए में आ रही है या इन्फॉर्मेशन जो अदर सोर्सेज से रिसीव हुई है जैसे कि बैंक से अगर कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है और वो आपने अपनी आई में नहीं दिखाई है तो ऐसे केस में भी आपके पास नोटिस आ सकता है स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन अंडर स्क्रूटनी या रूटीन वेरिफिकेशन के लिए भी ये नोटिस जो है वो आ सकता है तो ये तो जो हैं कुछ कारण थे जो हमने डिस्कस किए इसके अलावा भी कई कारण होते हैं कि ये नोटिस आपके पास आ सकता है तो चलिए अब आपके पास नोटिस आ गया अगर आप इसको नहीं इस नोटिस का रिस्पॉन्स देते तो उस केस में क्या होगा अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो उस केस में आपको जो है यू कैन फेस लीगल पेनल्टीज एंड कंसिक्वेंसीज ठीक है तो आपको नोटिस का रिप्लाई देना आवश्यक है तो यहाँ पे पेनल्टीज तो आप पर लगेंगी ही ठीक है अगर आप नहीं करेंगे तो किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आपको सबसे पहले लॉग इन कर लेना है अपनी लॉगिन आई और पासवर्ड के पास का यूज़ करके उसके बाद आपको जाना है पेंडिंग एक्शंस पर ठीक है लॉग इन करने के बाद ऊपर आपको पेंडिंग एक्शन का ऑप्शन दिखता है देन ई प्रोसीडिंग पर आपको क्लिक करना है ई e प्रोसीडिंग में फॉर योर एक्शन पहले आपको जाना है सेल्फ पर उसके बाद फोर योर एक्शन में आपको जाके व्यू नोटिसज़ का टैब दिखाई देता है तो व्यू नोटिसज़ पे आपको क्लिक करना है वहाँ पे अगर कोई नोटिस है तो वो आपको शो हो जाएगा जैसे इस केस में नोटिस दिख रहा है सेक्शन 133 थर्टी थ्री सबसेक्शन सिक्स का उसके बाद आपको तीन ऑप्शनस दिखाई दे रहे हैं सबमिट रिस्पॉन्स नोटिस लेटर पी डी एफ सीक एंड व्यू एडजस्टमेंट तो सबमिट आपको रिस्पॉन्स करना है तो फुल रिस्पॉन्स आप सबमिट कर सकते हैं पार्शियल रिस्पॉन्स आपको सबमिट करना है या फुल रिस्पॉन्स सबमिट करना है जो भी आपको सबमिट करना है फ़ाइनल सबमिशन पर आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगी एक ट्रांजेक्शन आई और एक्नोलिजमेंट नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा तो ये जो इस तरीके से आप इस नोटिस की रिप्लाई कर सकते हैं तो जो भी आपकी रिप्लाई है सबमिट हो जाएगी तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी आई टी आर फाइल करें तो आपका जो मिस मैच है वो ना हो अपने ए आई एस टी आई एस को चेक करने के बाद ही अपनी आई टी आर की फाइलिंग को कीजिएगा तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं पुराने फाइनेंशियल ईयर से जुड़े ये नोटिस आ सकते हैं तो आपको रेगुलर जो है अपना डेटा मैच करके रखना है आपकी जो भी इनकम है उसका आपको रिकन्सिलेशन करना है साथ ही आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनको भी आपको सेव करके रखना है जो पुराने ईयर्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट्स रहती हैं क्योंकि बाद में जो है बैंक स्टेटमेंट्स लेने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं तो आपको जो है डेली बेसिस पर सॉरी डेली रूटीन में ही अपनी जो बैंक स्टेटमेंट्स से है वो सेव करनी है अपना इनकम को रिकनसाइल करके रखना है ताकि आगे चल के अगर इस तरह का नोटिस आपके पास आए तो आपके लिए रिस्पॉन्स करना ईजी हो जाए